राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की कक्षा 10 वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय राजनीति विज्ञान का सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की उचित कार्य प्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव। 1950 और 1960 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। ये तनाव एक विशेष समस्या थी जो ब्रुसेल्स में अत्यधिक तीव्र थी। डच बोलने वाले समूहों की संख्या अधिक थी, परंतु ये धन के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 ईस्वी और 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। इन संशोधनों का वर्णन इस प्रकार है। बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। विशेष कानूनी तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिनिलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। श्रीलंका में दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 18% है। श्रीलंका की आबादी में 7% हिस्सा ईसाई लोगों का है। ये सिनिली और तमिल दोनों भाषाएँ बोलते हैं। श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। इनकी संख्या 13% है तथा ये मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। श्रीलंका में सिनिली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। भारतीय तमिल। औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहाँ बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में वे यहीं बस गए। इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या के केवल 5% भाग है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं, जो तमिल और सिनिली दोनों हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब सिनिली समूहों के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत अथवा अधिक सदस्यों के कारण से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। तमिल को अधिक आधिकारिक भाषा बोलने के लिए संघर्ष। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा घोषित किया। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगारों में समान अवसरों की मांग की, परंतु इनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया। वर्ष 1980 में लिट्टे नामक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम यानी सरकार बनाने की मांग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में आपसी अविश्वास ने संघर्ष का रूप ले लिया। ये संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर गृहयुद्ध परिवर्तित हो गया। संघर्ष का परिणाम गृहयुद्ध में दोनों समूहों के हजारों लोग मारे गए। गृहयुद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियाँ उत्पन्न हुई। अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और उनका जीविका का साधन खत्म हो गया। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।